पर्सनल डिटेल्स हमें अपडेट करने के लिए इसमें EISS ऑप्शन है, वहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमें जाना है राजकाज HRMS, यहाँ से हमें जाना है एम्प्लॉय कॉर्नर। एम्प्लॉय कॉर्नर में हमें जाना है EIS, ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हम हमारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। क्या हमारी जो भी डिटेल्स इसे फिल कर सकते हैं हम, मिस्टर मिस्टर जो भी है, सुनील कुमार आ गया पहला नाम, ये फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम है और लास्ट नेम, ये लास्ट नेम मेरा यहाँ आ रहा है, इसको हम यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद में हमें डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है अपनी, ये ज्वाइनिंग डेट है 7 मार्च 2015, डेट ऑफ ये मेरी रिटायरमेंट की तारीख हो गई है 30 अप्रैल 2051। एम्प्लॉई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, परमानेंट है, ऑन ड्यूटी है, सर्विस है, मेल, मैरिड, डेट ऑफ मेरिट, रिलीजन आ गया अपना, कैटेगरी आ गई, और कास्ट अगर इसमें है कोई कास्ट तो इसमें कास्ट डाल सकते हैं। ये मदर टंग ये अपनी लैंग्वेज हो गई है, हाइट है, एक मीटर है, ब्लड ग्रुप आ गया, वेट अपन इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बॉडी मार्क है, ये बॉडी मार्क हो गया, कहीं भी जो अपनी पहचान चिन्ह होता है वो डाल सकते हैं। यहाँ हम अपने मेरिट रजिस्टर के डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है हिंदी, जो इंग्लिश भी कर सकता है वो इंग्लिश भी कर सकता है ऐड। यहाँ में डॉक्यूमेंट्स है जो मेडिकल एग्जामिनेशन कोई डॉक्यूमेंट मेडिकल की कोई भी कागजात हैं वो अपन सबमिट कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो है, यहाँ से हम अटैच कर सकते हैं, या हम हमारे सिग्नेचर और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेव कर सकते हैं, इसे सबमिट कर देंगे। ये पहला पार्ट था पर्सनल डिटेल्स का, इसमें दूसरा पार्ट है कॉन्टैक्ट। या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ये मेरी मेल आईडी है और ये मोबाइल नंबर है, अगर आपके मोबाइल नंबर कोई दूसरे आ रहे हैं तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं, या ये मोबाइल नंबर अपन चेंज कर सकते हैं फिर इसे सेव कर सकते हैं, या मेल आईडी है तो मेल आईडी को अपन चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें नया कुछ ऐड करना है मोबाइल नंबर तो यहाँ से अपन ऐड कर सकते हैं मोबाइल नंबर, जो भी पर्सनल मेल आईडी है या मोबाइल नंबर है जो भी है यहाँ पे अपन सेव कर सकते हैं। तीसरा कॉलम यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, ये हमारा एड्रेस है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो भी है,
एड्रेस अपन डाल सकते हैं, इसे अपडेट भी कर सकते हैं, नया एड्रेस अपडेट डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन है, यहाँ हमें ग्रेजुएशन का डाल रखा है। अब इसमें मैं ऐड करना चाहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन आसानी यूनिवर्सिटी अरावली पीजी कॉलेज, यहाँ मैं कॉलेज की डाल दिया है। डेट ऑफ ईयर पासिंग 2011, एस एन के ये नहीं है, अगर आपने ये सेवा के दौरान की है तो इसमें यस करके आप भर सकते हैं। रिमार्क में आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और यहाँ से हमें अटैच इसका डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर सकते हैं। ये मेरी एमए की फाइनल मार्कशीट है, इसे पीडीएफ कॉपी। ये अपलोड हो गई है और हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है।